एक परिवार का लड़का रेप करता है तो सारे समाज को कलंक लगाता है। एक लड़का किस जाति का है, किस गांव का है, किस शहर का है, किस देश का है। बीबीसी की न्यूज अभी अभी 10 मिनट पहले आई है कि हिंदुस्तान में रोज कम से कम नहीं 100 रेप होते। उन्होंने 86 बोला था न्यूज में, मैं समझती हूँ 100 से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई तो रिपोर्ट ही नहीं होते हर दिन। आई डू नॉट नो अगर उनके पास फिगर्स है। ये बीबीसी की इंटरनेशनल न्यूज है जो दुनिया सुन रही है। तो ये 100 घर कौन से हैं जी, मुझे बताइए, ये कौन से 100 घर हैं जो कि इस देश का नाम कलंक करें। 100 घर, 100 माँ बाप, 100 स्कूल, 100 टीचर, ये 100 दोस्त कौन थे। हर घर समाज बनाता है, हर घर समाज को स्वच्छ भी करता है, हर घर समाज को गंदा भी करता है। महिलाएं उसी घर की हैं, घर से हैं जहां आप हैं। अपने माँ बाप से पूछो ना, तो अपने भाइयों से पूछो, वो भाई पर भी बहन को रोकता है और एक लड़का ही दूसरी की बहन को छेड़ता है। अपने टीचर से पूछो तो आपकी शिक्षा में क्या प्रॉब्लम है कि आप अपनी बहनों बेटियों को क्यों रोकते हो, और उनके लिए रिस्ट्रिक्शन और लड़के के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो रात को 12 बजे शराब पी के भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और लड़की कमाल है अगर 8 बजे से पहले घर नहीं आई, 7 बजे से घर क्यों नहीं पूछ के गई। ये किसकी सोच है, ये आपके घर घर की सोच है। लड़कियों को एक तरह की परवरिश, लड़के को एक तरह की, क्यों परवरिशों में अंतर क्यों। लड़की और लड़के दोनों भगवान की देन है, उन दोनों के पास काबिलियत है, दोनों को पूरी अपॉर्चुनिटीज दो, शिक्षा बराबर दो, दोनों को काबिल बनाओ, दोनों किसी से कम नहीं है। भगवान ने लड़की लड़का इसलिए दिए कि एक समाज में संतुलन बनाए रखे। ये सोच की बात है, जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, अपनी शिक्षा को नहीं बदलेंगे, कैसे चेंज होगा। हमारी सोच हमको बनाती है, सोच, और सोच में मुझे बताइए कौन सी चीज़ रोकती है अच्छी सोच में, कौन सी चीज़ रोकती है। कोई भी नहीं रोकती, ये तो हमारी चॉइस है, हम जो मर्जी सोच लें। हमारे पास अच्छा करने की भी सोच है, बुराई करने की भी सोच है, हम चूज करते हैं। तो अपनी चॉइस को ठीक करो। आप जहर भी पी सकते हैं, आप अमृत भी पी सकते हैं, चॉइस आपकी। जहर पी लो तो मर जाओगे, अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे।